Oh, Rehan, I hear. Rehan in video log. हेलो, जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, यू? आई एम गुड. जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहूंगा, आप इतना मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोलती हैं? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला. मैंने तो उस जी पे बात बोलती हैं, नहीं, मैं तो उस पे आप बात बोलती हैं मुसलमान ऐसे होते हैं, नहीं. मुसलमान वैसे होते हैं, मुसलमान यूं करते हैं, मुसलमान फलाना करते हैं, मुसलमान दिमाग का करते हैं। आपने कभी हिंदुओं के बारे में नहीं बोला। आपने देखा नहीं है, देखा क्यों नहीं है, दुनिया देख अगर रही है। आपने नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है ना, क्योंकि अगर आपने देखा होता आप ये बात नहीं बोल रहे होते, नहीं क्योंकि नहीं आपने दुनिया बहुत देख रही सारे है कि हिंदू अभी क्या वो करते आए हैं थे. मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान देखिए, अभी वो जो नगेंदर में। जी आए थे, वो नगेंदर जी यही कह रहे होते हैं दूसरी जगहों पे बैठ के कि मैं एंटी इंडिया एंटी हिंदू हूँ, क्योंकि मैंने इन पे बात कर दी है एक दो दफा, ठीक नहीं, है ना? आपकी तो जितनी भी वीडियोस देख लें, जितने भी लाइव सेशन देख लें, सब पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि आप लोग बेहतर बने, हम चाहते हैं पाकिस्तान बेहतर बने. हम इसे ऐसे क्रिटिसाइज पाकिस्तान में जब आप रहती ही नहीं है तो पाकिस्तान के बारे में सोच क्यों रही हैं? भाई, मैं नहीं रहती हूँ तो क्या हुआ, वहां पे और औरतें रह रही हैं, मेरी फैमिली रह रही है, उनके जी, हकूक और के औरतें अगर बारे में यहाँ मैं पर नहीं कोई मसला होता तो वो खुद बाहर निकलती, एहतजाज करती, सब कुछ नहीं, करती, वो वो क्यों निकलती नहीं हैं बाहर जिनको निकल रही? इजाजत है, वो निकलती हैं जिनको इजाजत है. आपको क्या लगता है वो 200 अरे इधर औरतें बाहर निकाल मार्केट में चली जाओ, आप शॉपिंग सेंटर में चली जाओ, हजारों औरतें निकली भी होती हैं, निकलती तो है, निकलना तो तो फिर है आप ना, कैसे इसलिए बोल रही हैं क्या कि नहीं करें, निकलती? निकलती है, मगर उसके बाद क्या होता है, निकलती है तो फिर क्या होती हैं, घूम रही हैं, पिन रही हैं, खा रही हैं, पिन सब चीजें कर रही हैं, हाँ सब कर रही है. हाँ नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा पाकिस्तान में, कुछ नहीं हो रहा, बहुत तो अच्छा. फिर आप क्यों बोलती हैं कि जी औरतों के साथ ऐसा हो रहा है, औरतों के साथ ऐसा हो रहा अभी है? तो आपकी गैस खत्म होने वाली है, अभी तो आपके मुल्क में गैस खत्म होने वाली है क्यों? ना. नहीं, चलो, और तो छोड़ो, उसके बारे में बता दो. गैस तो जी हर जगह खत्म होने वाली है। यहाँ तो नहीं खत्म हो रही, हमारे तो क्या नहीं गैस खत्म भी हो रही? है, क्यों? हमारे तो गैस यहाँ पे, जो हमारे जो फर्नेस चलते हैं ना, वो गैस की फर्नेस चलते हैं, घरों में जो हीटिंग हो रही है. जी, गैस पाकिस्तान में खत्म होगी ना, तो आपको क्यों टेंशन हो रही है? नहीं, हमें क्या भाई, मेरी बला से आप जो भी करो, मुझे टेंशन उनकी है जो मेरे वहां पर रह रहे हैं, मेरे जो जानने वाले हैं. फिर आपके आप आपको तो नहीं उनकी, परवाह मेरा तो ना, कोई नहीं है पाकिस्तान आपको में। इंसान, भैया आपको इंसान की नहीं परवाह ना, आप लोग, आप ऐसे मुल्क में रह रहे हो जिसको एक दूसरा इंसान मर रहा ले होगा, जी, तो हम तो नहीं पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, हमें तो बैठा. सब पता है, हमें तो सबकी फिक्र है। जी अच्छा, जिस हिसाब से ये है, ठीक है, मान लिया मैं क्यों बोल रही हूँ, पाकिस्तान में मैं नहीं जी रह रही. बिल्कुल। नहीं, हम ये बोल रहे हैं, आप जब आप लोग पाकिस्तान में पूरी रहती नहीं दुनिया है, में, जब आपको पाकिस्तान के बारे में पता ही नहीं है, आप कई सालों में। एक सेकेंड, एक एक करके बात करेंगे. आपने पहले मुझसे ये बोला कि आप क्यों बोल रहे हो, उसका जवाब सुनो, ठीक है? तो फ्रांस में आपके मोहम्मद के कार्टून बने, तो तुम बैठे हो, तुम्हारे मुल्क में तो नहीं हो रहे ना, तुम्हें क्या हो रहा है, बैठो आराम से. तुमने अपना मुल्क क्यों जला दिया उठाकर, अब बोलो. हमारे मुल्क के बारे में, हमारे मोहम्मद के बारे में कोई कुछ बोलेगा, हम तो हर्ट होंगे ना, ओ, हम तो बोलेंगे ना। और आप लोग बैठ गए वहां पे, हिंदुओं को बोलो, काफिरों को बोलो, यहूदियों को बोलो, सबको बोलो, मगर जी किसी को यहाँ इजाजत पर, नहीं जी दिया हम जहाँ पाकिस्तान रहते हैं के वहाँ बाहर. हिंदू भी रहते हैं, हमारे साथ उठते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ हाँ बैठते रहते हैं, हैं, हमारे और साथ हमेशा खाते जम हैं। जम को मार भी दिया आपने हिंदुओं को, आप जैसे ही अभी लोगों ने जी मारा हमारा, उसको, मैं भी इस्लाम के आपको नाम पे अपनी रियलिटी मारा, बता रहा हूँ ना, मोहम्मद के नाम पे मैं मारा, रियलिटी अभी बता मारा. रहा हूँ, आप को रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जिस बिल्डिंग में ऑफिस में वर्क करता हूँ, उस बिल्डिंग में टोटल हिंदू है, हाँ तो काम करते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, डर में रह रहे हैं, हिंदुओं से तो डर मैं भी में रह रहे हैं। हूँ, मैं एक्चुअली ऐसे लाखों का हिंदुओं से करोड़ों मिली का हूँ. बिजनेस कर रहे हैं भाई, अरे हाँ, डर में रह रहे मैं हैं। देख सकती हूँ, मैं ऐसे हिंदुओं से मिली हूँ जिनके पीछे मोटर, वो जो है ना, पेट्रोल जाता था पूरा पुलिस वालों का, बड़े बड़े हिंदुओं से भी मिली हूँ. लाखों करोड़ों का अगर बिजनेस जो कर रहे हैं। गरीब हिंदू रह रहे हैं वहां पर, जिनकी लड़कियों वो उठा के लेके जाते हैं आपके वो मियाँ मिट्ठू जैसे लोग, और कन्वर्ट करा रहे हैं, उनकी तो जबरदस्तियां शादी करवा रहे हैं, उनके बारे में इसी क्या तरह तो कहना हिंदू भी उठा के लेके जाते हैं इंडिया में, है? मुसलमान की ओ, लड़कियों को मुझे भी मारते कहाँ हैं। उठा के लेके गए, दिखाओ है? नहीं, कहाँ उठा के लेके गए, मुझे बताओ, मैं कहाँ आपको उठा न्यूज़ के लेके शेयर गए करूं, मुसलमानों की लड़कियां? आपको न्यूज़ शेयर करूं आपको? हाँ हाँ शेयर करो, अभी दिखाओ मुझको, कहाँ चलो मैं आपके फेसबुक के आपके पे आपको मैं दिखाता हूँ, अच्छा, तो नहीं, फिर एक आप उसको सेकंड, शेयर करेंगी फिर अपने लाइव सेशन के अंदर। अगर वो उठा के लेके भी जा रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं? आपको भी यही करना चाहिए. आपको दिखाता हूँ, आप उसको अपने लाइव सेशन में शेयर करेंगी, हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए, अगर वो करेंगी, कर चलिए भी रहे बताएं। हैं, आई कंडेम दैट टू, मगर आपके मुल्क में भी कब है, कर आपके रही हैं? कंडेम तो आपने करा ही नहीं आज मुल्क में तक। मैंने आपकी इतनी वीडियो देखी है, आपने कभी कोई भी कंडेम नहीं करा, सिर्फ है. आपको पाकिस्तान में। एक तो पहले एक बात समझ लो,
बात करने का तरीका आना चाहिए, मेरे ऊपर मत बोलो, एक चीज सवाल पूछो ना उसका जवाब सुन लो, फिर उसके बाद बात करो, बात करने की तमीज रखो, डोंट टॉक ओवर मी। रहा हूं जब आप पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ बोलती हैं, इसकी वजह क्या है? मैं आपको वही जवाब दे रही हूँ कि पाकिस्तान जब बैठ गए, पहली तो मैंने आपको ये रीजन बनाई कि मैं, मेरी फैमिली वहां रहती है तो आई केयर फॉर देम, मेरा दिल दुखता है जब मैं उनको देखती हूँ कि उनको मैं किस किस सहूलतों में रह रही हूँ और उनको वो सहूलतें नहीं नहीं तो दे कर, क्या रही। मतलब फिर आपकी जो फैमिली वो पास, भी बात है, सेकंड जो सवाल पूछा है ना तो जवाब सुनो, पहली बात थी ये। दूसरी बात ये कि आप बैठ के पूरी दुनिया के बारे में बोलते हो, आप लोगों के लोग बैठे हैं, क्या कहते हैं, पूरा मीडिया सारा दिन बाहर वालों के बारे में बात करते हो, सारा दिन इंडिया की गांठ के अंदर घुसे रहते हो आप लोग, सारा दिन बैठ के आप हिंदुओं के बारे में, आप लोगों के मौलाना जी बैठ के वहां पे खंजीर खंजीर हरामजादे पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। हाँ, और आप आए कह रहे हो हम पे बात नहीं करो। जी बोलो आप आप। पाकिस्तान के मीडिया कितनी दफा देखती हैं दिन में? हाँ, दिन में कितनी दफा पाकिस्तानी न्यूज़ देखती हैं आप? मैं बहुत देखती हूँ, डोंट वरी। दिन में मैं 24 घंटे न्यूज़ देखता हूँ, इंडिया का एक लफ्ज़ नहीं आता। अच्छा, अरे आप आप अभी न्यूज़ लगाए मुझे हैं? नहीं, ओवर आप एक काम इमोशनल करें, आप एक काम करें, अपने लाइव सेशन में अभी कोई पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल लगा दें, उसमें कितनी दफा इंडिया की न्यूज़ आएगी आप मुझे दिखा दीजिएगा देख दुनिया रहे हैं आप। को। और मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, मैं क्यों? ओ भाई, क्यों, कॉपीराइट्स का क्या ताल्लुक है इसमें? आप लोग जो हैं, अभी आप लोगों ने एक बंदा मार दिया इस्लाम के नाम पर, ठीक है, और आप यहाँ हाँ आके कह रहे हो हमसे उस पर बात भी नहीं करो। तो लोग तो उसको कंडेम कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो कंडेम कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो कितने लोग उसको कंडेम कर रहे हैं। कंडेम करोगे? मशा खान को कितने मार दिया तुम लोगों ने, सलमान तासीर को मार दिया, और कितने जाने लोग हैं और कंडेम करते रहोगे? वो आसिया बीबी ये के, कितने नाम हो गए, कितने नाम लिए आपने? सलमान तासीर जिसको मारा था और आपने, उन्होंने मुमताज गिनवाए कादरी जिसको, उंगलियों पे, आप गिनवाए भूल उंगलियों पे जाते गिनवाए। हैं। हाँ, और दूसरा सलमान तासीर, दूसरा मिशाल खान, तीसरा तीसरा अभी ये जो बंदा मरा है उसके बीच में ही बहुत मारे हैं। आप लोगों ने चौथा। क्रिश्चियन कपल था उसको अरे जला आपको दिया खुद था, नाम नहीं पता, आप मोदी जी खाली के था, हजारों के नाम ले रही हैं। कितने चाहिए तुमको, कितने अरे नाम ही नहीं चाहिए? पता आपको, आप खाली पीले पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। चार काफी नहीं है तुम्हारे लिए? मैं नहीं कर रही हूँ बदनाम, वो कर रहे हैं जो अरे तुम्हारे इससे ज्यादा तो इंडिया में लिए, इतना पाकिस्तानी तुम्हारे लिए मुसलमान मरते बदनाम, हैं। मैं क्यों बदनाम करूंगी? बदनाम आप कर रहे हो, यहाँ आके ये हम तो कह है रहे नहीं हो कर कि रहे, चार लोग हम ही तो किसी तुम्हारे कंट्री लिए का नाम ही इस्लाम नहीं ले रहे लोग हैं, पे, फिर हम तो किसी चार लोग। कंट्री का अरे नाम ही नहीं ले रहे, हम तो ना आपका आप नाम ले रहे, तो नाम ले रहे होते हो दूसरी कंट्रीज का। आपकी कोई नहीं ले नमाज रहे। में, फ्राइडे की नमाज में काफिरों को पता नहीं क्या क्या बकवास की जाती है, तो जाके आप अपनी काफी रहे नमाज पहले बताएं, पहले आप जाके बताएं, अपनी, आप काफी रहे, मैं इस्लाम को आप नहीं काफिर मानती, हैं, तो काफिर ही होंगी ना। आप इस्लाम को नहीं मानती, तो आपके जो मुसलमान जो पाकिस्तान में रहते हैं वो मुसलमान है कौन है? वो मेरी फैमिली है, हाँ, तो वो मुसलमान मतलब है, वो तो मैं, मुसलमान है कौन है वो? हाँ, मुसलमान भी हैं और दूसरी रिलीजन वाले तो भी हैं, आपकी तो फैमिली आधी मुसलमान है और आधी आप मुसलमान नहीं है? हाँ नहीं हूं मैं, मेरी मर्जी, मैंने छोड़ दी रिलीजन, क्यों? फैमिली अच्छा, तो मेरी, आपके घर मेरी वाले आपको फैमिली कुछ नहीं कुएं में बोलते हैं? कूदेगी तो मैं भी क्या कुएं में कूद जाऊं? नहीं, आपके घर वाले खुद कुछ नहीं बोलते कि आपने क्यों छोड़ दिया इस्लाम? क्यों कुछ तो वो बोलेंगे? बोलते होंगे ना आपको, नहीं, तो उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा अगर इस्लाम इतना गंदा है तो? मर्जी है वो, उनकी मर्जी है, मतलब उनको सही लगता है ना, इसका मतलब उसमें कोई जो बुराई? उनका देखने का वो है ना। मगर मेरे, चलो रेहान जी ड्रॉप ही हो गए, मेरी फैमिली वालों में से ना आपकी तरह कोई बात नहीं करते हैं, मेरी फैमिली नहीं, वैसे मैं ही ये पूछ रहा हूँ ना, अगर उनको इस्लाम अगर आपकी तरह इतना गंदा लगता तो वो भी छोड़ देते, प्रॉब्लम्स दिखती है पाकिस्तान में, हमारी जो फैमिली तो औरतें हैं फिर ना, जब पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ रहे वो? सेकंड ना, जब वो बाहर निकलती है ना तो बताती है कि माँ जी आज मैं यहाँ जुमा बाजार गई थी तो मेरे को पीछे क्यों हाथ लगा के मेरा मुसलमान भाई निकला अरे था। ऐसी कितनी वीडियो में आपको इंडिया की दिखा दूं, सब जगह होता ही है इंडिया भाई, तो इंडिया घूम खाएगा तो आपने भी घूम खाना है। अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं ना नहीं, भाई, ना, इंडिया घूम अच्छे खाएगा बुरे तो लोग आप सब जगह होते हैं। नेता बना होगा, घूम की तरफ क्यों देख रहे हो? अच्छा कनाडा हमारी में, कनाडा में कुछ नहीं होता? अच्छा नहीं, कनाडा कनाडा में ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं होता, नहीं कुछ नहीं होता, क्यों नहीं होता? होता, मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ है। और होता भी होगा ना, अगर आपके मुल्क हाँ में हादसा 90% औरतों के साथ हो रहे हैं ना, तो यहाँ 10% के साथ हो रहे हैं, लेकिन समझ रहे हो हो? तो रहा है ना, 10% तो फिर हो तो रहा है ना, कंपैरिजन हो कर रहे तो हो, रहा है ना, हो रहा है तो क्या हुआ, केस उस पे हो रहा है, और वो भी आके तुम्हारे मोमिन तो लोगों वहां हो रहा के सही है, यहाँ हो रहा है पे तो खराब है, हो वो क्या रहा चक्कर है है। फिर?
जब तक यहाँ पे और ज्यादा इतने इमिग्रेंट वगैरह नहीं आए हुए थे ना, तो इतनी हरकतें नहीं होती थी। सबसे ज्यादा तो यहाँ यानी कि पर जब से आप गई उसके बाद से हो रहा है, इसका मतलब है इंडस्ट्रियल साल्ट में, यहाँ पर भी आ गई थोड़ी। जब से आप गई उसके बाद से हो रहा है। आप भी तो इमिग्रेंट है ना, हाँ, मैं भी इमिग्रेंट हूँ, तो मतलब जब से आप गई और भी उसके बहुत बाद से सारे हो रहा है। इमिग्रेंट है, हर कोई तो नहीं कर रहा ना। तो फिर अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं ना। नहीं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मैंने ये कब कहा? अच्छे तो बुरे लोग तो फिर हर जगह हो रहे होते हैं, मगर आपके जो लोग हैं ना, आपके लोग पाप के लोग हैं, समझ में आई? आप अपना क्राइम रेट जाके देखो, और ये देखो कितनी लड़कियों के साथ जिना हो रहा है। यहाँ बैठ के ना उन लड़कियों के जो जिना हो रहे हैं, जिनके साथ रेप हो रहे हैं ना, आपको तो कोई लग ही नहीं रहा, कुछ हो तो भाई, ही रेप तो यूएसए में भी होते हैं, रेप तो कनाडा में भी होते हैं, रेप तो नहीं फ्रांस में भी होते हैं, रहा। रेप तो चाइना में भी होते हैं, सब जगह होते हैं रेप तो। आप क्यों फिर इधर मुंह पे मार रही हो पाकिस्तान में? आप पहले कनाडा को सही करो ना। आप कनाडा में औरतों के खिलाफ बोलो, कनाडा के खिलाफ बोलो पहले आप। यहाँ मुझे कोई तो वहां पर जरूरत रेप नहीं हो रहा? अच्छा, वहां रेप नहीं होती है, बताएं। नहीं होते कनाडा हैं, में रेप नहीं होते हैं? क्या होता है, क्या होता है पाकिस्तान में, क्या होता कनाडा है, में क्या रेप नहीं होता है होते कनाडा क्या, ये बताएं मुझे। में कनाडा में होते हैं? रेप नहीं कनाडा होते? की तो बात छोड़, कनाडा की औकात तक पहुंच नहीं सकता पाकिस्तान, समझ में आई ना? तो आप कनाडा की तो बात छोड़ ही दो, होती है कनाडा में रेप हो रहे हैं तो पाकिस्तानी कनाडा कनाडा में, में क्यों आ हरेसमेंट रहे हैं? होती है, कनाडा में मुसलमान क्यों आ रहे वर्किंग हैं? वुमेन के साथ हरेसमेंट होती है कनाडा में। कनाडा में मुसलमान क्यों आ रहे हैं? यहाँ हरेसमेंट हो रही है, क्यों आ रहे हैं काफिर मुल्क में? बैठो ना होती है नहीं पाकिस्तान होती, पहले ये बताएं ना। नहीं, में। जवाब दें पहले, आप जवाब दें। ना 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 होती ना है ना जाहिल इंसान, ना होती ना है। ना 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 ना, आप जवाब दें। हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताएं पहले आप। हाँ हो रहा है, मैंने तो कितनी दफा बोलूं हो रहा हो है। रहा है? तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूं मैं, मानती हूँ कि हो रहा है, मगर तुम्हारे दिमाग में ना ये है कि हो रहा है। यहाँ मैं जितने भी लोग यहाँ पे, जितने भी लोगों को जानती हूँ ना, अपनी जितने भी सर्कल में लड़कियों को जानती हूँ, किसी के साथ कभी कुछ नहीं हुआ है। जितने पाकिस्तान में जानती हूँ ना, उन सब के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तुम्हारी परसेंटेज मैच समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम लोगों को जाहिल कि रखा जा न्यूज रहा है। में के रेप हो रहा है उसका, कभी उसका मर्डर हो गया, उस औरत का मर्डर हो गया। कनाडा की न्यूज, लेकिन न्यूज देखती हैं आप? हाँ, मैं देखती हूँ, होता है, मैं यहाँ उसको भी कवर करती हूँ जो होता है। आपके मोमिन जो यहाँ कर रहे हैं उसको भी कवर करती हूँ, इसी तरह से तो तो इसका आपके मतलब है फिर मोमिन वहां होने कर इंग्लैंड में लीजिए, जाकर। अरे वहां कर। चुप करो, इंग्लैंड में जाकर तुम्हारे पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों ने बैठ के वहां पे ग्रूमिंग गैंग्स खोले हुए थे। उससे पहले तो इतने ग्रूमिंग नहीं हो रही थी, जब से तुम्हारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई वहां पहुंचे हैं, तो वहां पर जाकर भी लड़कियों को उन्होंने चलाना शुरू कर दिया, लौंडियां रखनी शुरू कर दी है ना। अपने मुल्क की गंदगी नहीं दिखती तुम लोगों को? हाँ, और इतने गंदे मुल्क हैं कनाडा, यूएस, तो भीख मांग मांग के वीजे में आ क्यों रहे हो? यहाँ पे बैठे रहो ना आप अपने मुसलमान मुल्क में। अरे तो हम तो आपको ये बोल रहे हैं कि भाई, जब सब जगह बुरे लोग होते हैं तो सिर्फ आप पाकिस्तान को बदनाम क्यों करती हैं? पाकिस्तान में सबसे बुरे लोग होते हैं इस वजह से, ठीक है ना? पाकिस्तान में इंसान की जिंदगी की कोई कदर नहीं। आप तो पाकिस्तान में रहती यहाँ नहीं, तो आपको कैसे पता है? पे खाली एक कुत्ता भी हर्ट होता है ना, तो उसकी जिंदगी कदर नहीं। न्यूज़ देख देख के खाली। नहीं, मैंने तो ये देखा है कि अभी तुम लोगों ने एक श्रीलंकन को मार दिया है एक स्टिकर फाड़ने में, एक स्टिकर अच्छा फाड़ने में उस बंदे को मार दिया। अच्छा शर्म से डूब मरो तुम लोग, शर्म से डूब मरो। उस बंदे की अच्छा जिंदगी का कुछ नहीं है, तुमको यहाँ आ गए हम पाकिस्तान, क्यों मेरा डूब मरे पाकिस्तान, भाई, मेरा हम क्यों पाकिस्तान, डूब मरे हैं, हम क्यों पाकिस्तान। डूब अच्छा मरे हो हैं? गया, तुम जैसे लोगों ने उसको गंद किया हुआ है, तुम जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम लो, हमने बर्बाद क्या गंद करते हो, किया? क्योंकि तुम लोग गंदे लोग हो ना। हमने तो नहीं करा कुछ भी भाई। हम तो तुम्हारे अभी भी दिमाग आपसे, आप जनाब से बात कर रहे हैं, इतनी प्यार से, इतनी तमीज से में बात कर रहे हैं। देखें, इतने इतने हल्के लहजे में बात कर रहे हैं। कितनी है, समझ में आई ना? आया, मुझे पता है आपकी तमीज कितनी है। हम तो हाइपर नहीं हो रहे आपकी तरह? हाँ, नहीं, हाइपर क्यों नहीं हूँ मैं? चूतिया वाली बात करोगे तो मैं तुम शायद मुझसे एक से बात करो, तुम्हारे ऐसे चूतियाओं से ना मैं हर रोज बात कर रही होती हूँ, तो मेरा दिमाग, मेरे पास इतने ब्रेन सेल्स नहीं है कि यहाँ बैठ के चूतियाओं अच्छा, से नहीं, यही तो मेंटेलिटी है आपकी, ये यही तो मेंटेलिटी है आपकी, यही तो मेंटेलिटी है। बात कर रहे हो। कनाडा में हो रहा है सबसे तो आप पहले, पाकिस्तान की जूते के बराबर नहीं, आप क्यों पाकिस्तान के बारे में बात कर कनाडा रही है? जी, बोलो बोलो। नहीं, आपकी मेंटेलिटी पता लग रही है आपके लहजे से। आप कितनी माशाल्लाह पढ़ी लिखी, समझदार, इंटेलेक्चुअल, कितनी अच्छी हैं आप। इस वजह से ना, क्योंकि आपका इस्लाम ना आपको देता है इतना सा दिमाग,
उस दिमाग से आप एक ही चीज सोच सकते हो, आप औरत को ना सिर्फ उसके लहजे से ही जज कर सकते हो, उसके ओहो, मतलब सारा दिमाग लिबास आप लोगों के पास ही है। से बैठो, तुम उसको सिर्फ चीजों से ही जज कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए ना मैं एक जजमेंट पुतली बनी हुई हूँ। मुझे आपके स्टैंडर्ड से कि औरत को ऐसे बोलना चाहिए, टांगे बंद करके बैठना चाहिए, तो सर पे पर्दा लेना चाहिए, मैं आपके स्टैंडर्ड से क्यों चलूं? क्यों चलूं? तुम मेरे को जो भी समझो, मेरी जुती को नहीं परवाह। मुझे पता है कि एक जाहिल इंसान आप हो, जिसके पास गैस नहीं होनी, अभी पानी आपको मिलता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी ये औरतों पे ले बिजली आती हैं सारी आपको समझ बातें, में आई ना? चुप करो, ये तुमको सारी मुझे बातें, और अपनी, ले ले लेके सारी औरतें वो औरतों के लेने पे बैठने पे लेकर आ जाती हैं। तो वही तो होता है, आपके कुरान में सारा यही लिखा है, ले लो लड़कियों की, ऊंट पे चढ़ी हुई है तब भी ले लो नहीं, उसकी, हमारे आपके कुरान में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी, कोई नहीं लिखी। साथ आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो ना, आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो। आपने तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर खाली एक व्लॉग बना के खड़ी हो जाती हैं। ये देखो, नहीं मेरे पास, हाँ मैं एक ही व्लॉग बनाती हूँ। आप लोग आते हो ना यहाँ पर, आप लोग खुद अपने इस्लाम की जो है ना पैंट उतारते हो। अब उतारू मैं नहीं, आपको? हम तो नहीं उतार रहे भाई, आप उतार रही हैं, हम तो आपकी आपसे सुन रहे हैं। आप कहती हैं मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरे वालिद मुसलमान थे, मेरी मम्मा मुसलमान थी, मेरी मेरे बहन भाई मुसलमान है, मेरे सब मुसलमान है। तो भाई जब वो सब मुसलमान है तो उनको इस्लाम इतना गंदा हो। भाई बहन मुसलमान नहीं है, मेरी माँ भी कोई मुसलमान नहीं है, अब समझ में आई ना? मेरा नाना भी मुसलमान नहीं आता। इस तरह से तो मुझे पता चलता है कि तुमने देखा क्या है। मेरे 400 वीडियोस पड़े हुए हैं, तुमने उसमें से एक भी वीडियो नहीं देखा, क्योंकि अगर तुमने देखा होता तुमको ये पता होता कि मैं हिंदू पे भी क्रिटिसाइज करती हूँ, जो तुम लोगों की तरह जहादी होते हैं। सारों पे नहीं, सारों मुसलमानों पे भी मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि सारे मुसलमान तुम्हारी तरह जहादी पागल थोड़ी है, जाहिल थोड़ी है। और क्या डिफरेंस है ना? डिफरेंस है। मुसलमान अच्छे बुरे भी हो सकते हैं। आपने बोला ना अच्छे बुरे लोग हर जगह रहते हैं, जी हाँ अच्छे बुरे लोग हर जगह रहते हैं, मगर आप जैसे जो जाहिल है ना वो एक ही जगह रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो पहले जाके रिसर्च करो कि मेरा बाप कौन था, मेरा माँ कौन थी, मेरा दादा कौन था, मैं कौन सी फैमिली से आ रही हूँ। पता तुम्हें टकेगा नहीं है, आ गए हो यहाँ पे बात करने, पहले मेरा हिस्ट्री तो जानो नहीं, ना पहले जाकर। तो कहते तो भाई आप रेहान खुद बोल रही हैं मैं मुसलमान थी। का बाप जो है वो हिंदू है, इसकी माँ जो है वो पारसी है, इसके बच्चे जो है वो काफिर है। नहीं, आपने खुद ही कहा ना मैं तो मुसलमान पैदा हुई थी, लेकिन बाद में मैंने मजहब चेंज कर लिया। मुसलमान पैदा हुई थी क्योंकि मेरा बाप मुसलमान था, मैं नहीं हूँ। मेरा दादा कौन था, मेरा नाना कौन था, बताओ नहीं, जरा। तो नस्ल तो बाप से चलती है भाई, नस्ल तो बाप से चलती है, मेरा नाना कौन था बताओ, मेरे नाने की नस्ल तो बात, बाप से चलती है, मेरे नाने की बात बताओ मुझे। नस्ल बाप से चलती है। आपका बाप मुसलमान था तो आप भी मुसलमान हुई। थी थी शुक्र ना, है छोड़ मेरे दिया ना माँ आपने। पे चला आ गई। अब हो सकता है आपकी किसी दूसरी सिस्टर ने ना छोड़ा हो, आपने छोड़ दिया हो। आपको पता है मेरे इसमें, आपको पता है मेरी फैमिली के बारे नहीं में तो कि ये बाप आप बताएंगे कौन सा ना, था? मैं वही ये तो तो पूछ आप रही हूँ, खुद, मेरे आप नाना तो ये क्या आप था? अपने आप अरे में, आपको तो पता होना नहीं, चाहिए सुनो, मेरे आप फैमिली एक का आराम, कौन था। चुप, मेरे क्वेश्चन किया है, तुम्हें बड़ा पता है मेरी बहन थी या वो थी या ये था, मेरा नाना कौन था, ये तो मैंने सबको बता दिया, क्विज कर रही हूँ, बता दो मेरा नाना कौन सी रिलीजन था। नहीं, अरे सुने तो, अरे नहीं नहीं जवाब दो ना, सुनो, थोड़ी अरे जवाब दो ना, आप जवाब दो ना, आपको सब पता है, से बताओ जानने मेरा लगा हूँ नाना मैं कौन तो। सी रिलीजन का था, बताओ बताओ। भाई जब आपके वालिद मुसलमान थे तो आपके दादा भी बता, मुसलमान नहीं होंगे। पता ना? ओ नहीं, वाले थे, नाना बोला है, तुम्हें ये भी नहीं पता नाना क्या होता है? यार कम ऑन, चले तो गाइस, नाना आप भी मुसलमान ही होंगे ना भाई। कुरान में लौंडियां दिखाते हैं, ठीक है ना? कुरान में ये देखिए, यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है, ए नबी हमने आपके लिए, एक सेकंड मैं जरा एहतराम से पढ़ू ना, इनको इनको फिर आग लग जाएगी, देखो इस तरह बात कर रही है। ये आप खुद आके दिखा, मैंने तो ये दिखानी भी नहीं थी, मगर थैंक यू आप आए यहाँ पे ताकि लोगों को पता चले। जी नबी हमने आपके लिए आपकी बीवियां हलाल कर दी हैं, जिनके आप मेहर अदा कर चुके हैं, और वो औरतें जो तुम्हारी ममलूम का है, ममलूम का हेलो, अल्लाह ने आपको गनीमत में दिलवाई हैं, और आपके चचा की बेटियां और फुफ्फियों की बेटियां और मामू की बेटियां, यानी सारी बेटियां आपके लिए हलाल हैं जी। ये एक और लौंडी और भी दिखाऊं मैं आपको, लौंडी कहाँ पे लिखा है? आपने तो पढ़ा नहीं होगा कभी कुरान खोल के, सारा दिन यूट्यूब पे बैठे रहते हो बच्चे, कुछ कुरान भी पढ़ लिया करो। क्यों बेचारे आके, देखिए 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 लौंडियां लौंडियां, ए ये कहाँ से निकाल के लौंडियां, बैठी हुई हैं आप? अरे लौंडियां लौंडियां, हाय मेरी लौंडियां, मेरी तो नहीं मोहम्मद जी की लौंडियां थी। ये कहाँ से निकाल के और बैठी हुई हैं आप?
strive for the better man? Who guard their sex except from their wives and women? Slaves of all free of blame. ये देखिए देखिए, women slaves. ये औरतों को slaves बनाने वाले लोग हैं, ये वो हैं. देखिए देखिए, एक और दिखाती हूँ आपको. हाँ जी, ये देखिए, दोबारा से देखेंगे आप एक और इस्लाम के अंदर लड़की लौंडियां. ये देखिए, ये रेहान वीलॉक जो है ना, ये इस्लाम को बचाने आए थे. Also forbidden are married women unless they are captives of war. और खावंद वाली औरतें मगर तुम्हारे हाथ जिनके मालिक हो जाएं, ये अल्लाह का कानून तुम पे लाजिम है. इनके सिवा तुम सब औरतें हलाल हैं, बशर्ते के इन्हें अपने माल के बदले में तलब करके लेकर आए हो, यानी माल में लाए हो तो उनके साथ जिना कर लो, ठीक है ना. हाँ जी, वो आपके लिए है. हेलो फहाद, हाउ आर यू जी. आप भी डिफेंड करेंगे अपनी रिलीजन को? आपकी तो अल्लाह मियां ने इंटरनेट को बाय कर दिया. जी बोले अल्लाह मियां, प्लीज फहाद जी का इंटरनेट चलाए ना, ये इस्लाम को डिफेंड करने आए, आप इनकी इतनी सी मदद नहीं कर सकते हो. अल्लाह मियां, आपके यहाँ पे बेचारे बंदे आ रहे हैं आपको डिफेंड करने के लिए, तो आप ये आए हैं, इनको भी ले रहे हैं, दोनों दोनों डिफेंडर्स को साथ लेते हैं. Defenders of Islam. जी देखा आपने, ये देखिए मैं चौथी चीज दिखा रही हूँ आपको मैं. अब देखिए आप ये गौर से देखिए, सूरह निसा की है ये हदीस. आहा, a woman who in some societies, ये concubine है. I noticed that the messenger, आयशा ने narrate किया है. I noticed that the messenger of Allah was missing and I thought he had gone to visit one of his concubines. So I looked for him and found him prostrate Trating and saying blah 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 blah. तो ये देख लीजिए आप, आपके खुद के मोहम्मद जी थे, वो लोनिया रखते थे. जी बोलिए, अब आप क्या बोलना चाहेंगे? Frustrated हो रहा होगा फहाद इस वक्त, मैं बोल नहीं सक रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या कर रही है, मैं बोल नहीं सक रहा हूँ. थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही माचे से लगा के अपने नीचे फट जाने. रेहान जी, हे पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्या प्रॉब्लम पाकिस्तान में, बात ही क्या कर रही हैं आप, तो बैठ के पाकिस्तान का नाम पर बात कर रही होती है. पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है. हमारा इंटरनेट देखो, इलॉन मस्क के स्टारलिंग इंटरनेट से ज्यादा सही चलता है मालिक जी. बोलिए बोलिए रेहान जी, क्या हो गया? जी जी, हम आई एम हियर सर, आई एम हियर. आपने चोरी का इंटरनेट लगा लिया है. अच्छा वैसे रेहान जी, सर बोले, शक्ल क्यों छुपा रहे हो, आपको किसका डर है? नहीं मैं शक्ल नहीं छुपा रहा, मैं आपका खाली पीली मेरे पर पीछे लग जाएंगे, इसलिए शक्ल झुका. तुम इतने हुसैन हो, इतने रोशन समझा है अपने आप को. मेरे पास कोई और काम धंधा नहीं, मैं तुम्हारे पीछे लग जाने. बड़े बड़े यहाँ पे पीछे लगने वाले, समझ में आई ना मैं अपने आप को. यही तो तुम लोगों की, यही तो पाकिस्तानी मर्दों की मेंटेलिटी होती है, सारों की नहीं मगर आप जैसों की. खामा खाई में लड़की, आपकी लड़कियां छोटे कपड़े पहने तो आपके लिए पहने होंगे. खुश फहमी में रहना. जी बोलो बोलो, आप लॉन्डी के बारे में बोल रहे थे. जी बताइए, लॉन्डी का क्या किया जाए? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको पता है ना, पाकिस्तान में स्टारलिंक से बेहतर जो है ना इंटरनेट चलता है इनका. ये अभी नया नया हमारे मौलवियों ने इजाद किया है. इसकी वायरिंग ना एक गांड के अंदर से निकाल के ना दूसरी गांड के अंदर होती है. ना तेज स्पीड का इंटरनेट चलता है, आपको पता ही नहीं चलेगा. आए हाय, ऐसा इंटरनेट चलता है ना, आहा हा. अच्छा ये रेहान आए दोबारा से, देखते हैं इनका अब इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं. जी रेहान जी बोलिए. जी बोले, जी बोले. सॉरी, इंटरनेट खराब हो गया था आपकी वजह से. मेरी वजह से नहीं हुआ था आपका इंटरनेट. आप ऐसी मुल्क में रहते हैं जहाँ अभी 5G आ नहीं रहा है, इस वजह से. नहीं 5G नहीं आ रहा, वो असल में आपको देख के शर्मा गया था. 4G आ गया है? नहीं 4G कहाँ जी, हम लोग तो गरीब लोग हैं, 4G कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं. नहीं आया 4G? अच्छा, मैं तो समझी आपका बड़ा अच्छा मुल्क था आपने कहा है.
हर चीज लो वहां आप पे तो होती बोल है। दीजिए, आप तो समझती नहीं पाकिस्तान को अच्छा मुल्क। नहीं, भाई आपके पास पानी नहीं पीने का वहां पे, गैस आपके पास नहीं, इंटरनेट आपके पास नहीं, लाइट आपके पास नहीं, तो भैया मैं तो यहाँ बहुत ही अच्छे, मैं तो जन्नत में रह रही हूँ। हाँ तो हम तो बिल्कुल आपको फिर और अच्छा देख के बहुत खुश होते हैं कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे माहौल में रह रही हैं, खुश हैं, आजाद हैं। माहौल अच्छा नहीं लगता ना आप लोगों को, कहाँ अच्छा लगता है यहाँ का माहौल, ऐसी नहीं, बात हमको करो तो ना अच्छा लगता है जी, आप। हमको जी जहाँ जहाँ भी जो कोई बंदा खुश रहता है तो हम तो खुश देख के उसको खुश होते हैं। दोबारा दोबारा बोलिएगा, क्या बोल रहे थे? अच्छा हम बोल रहे थे जहाँ भी जो बंदा खुश रहता है हम तो उसको देख के खुशी होते हैं जी, चलो बंदा खुश है। हाँ, देयर यू गो, आपने खुद ही वो बात कर दी। अब हम इसी वजह से तो बोलते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में लोग खुश नहीं है, हमारे क्यों, आपके मुल्क में तो खुश हमारे है ना माशाल्लाह, वहां सब चीजें अवेलेबल हैं, एवरीथिंग पाकिस्तान अवेलेबल है, तो फिर तो खुशी होना चाहिए वहां पर उनको। में लोग खुश नहीं है, इसी वजह से हम वहाँ के लिए बात कर रहे होते हैं, और जो यहाँ पे जिस चीज पे हम नहीं खुश है हम उसमें भी बात करते हैं, ऐसी बात नहीं, नहीं। हमने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान में लोग खुश नहीं है, पाकिस्तान में लोग खुश हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं खुशी से रह रहे हैं, खुशी से खा रहे हैं, पी रहे हैं। कुछ अच्छा आप कहाँ लोग रहते हैं हो वैसे? शायद, आप कहाँ से हो? कराची से हो आप? मैं नाजमाबाद, कहाँ नाजमाबाद, से? नाजमाबाद नाजमाबाद से? अच्छा जी बिल्कुल, नाजाबाद। नाजमाबाद कहाँ नंबर एक। रहते हैं? घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, किराए के अपने घर में? आपका जी मैं अपने घर में रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है घर है, आपके माँ बाप का घर है? जी, मेरे माँ बाप का घर है, वही मेरा घर है। अच्छा, कौन सा घर है? कच्चा घर है या पक्का घर बना हुआ है? नहीं नहीं मैं क्यों, आपने रहने के लिए आना है? पूछ रही हूँ ना आपसे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं नहीं आप होगी, पूछ क्योंकि तो आपके ऐसे पास रही एक हैं अच्छा जैसे घर आपने बना रहने के लिए हुआ आना है। नहीं, अगर आपने रहने के लिए आना है तो फिर हम पक्का घर बना लेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से तो आप पक्के ही घर में रहते हो, नाजाबाद से तो मैं भी हूँ। तो अच्छा तो फिर बात ये है कि आपको नहीं आप होगी पूछ ना क्यों प्रॉब्लम, प्रॉब्लम उसको होगी जिसके पास घर नहीं है, जो सड़क पे सोता है उसको जी? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम तो हाँ जी, हर जगह होते हैं ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं नहीं। होता, सड़क पे सोते हैं। नहीं यहाँ तो नहीं सोते सड़क पे लोग, मैंने तो नहीं देखा नहीं यहाँ सड़क तो पे सोते मतलब हुए। होते हैं पुअर लोग, तो सब जगह होते हैं जी, ये तो पुअर लोग अलग होते हैं दुनिया यहाँ का उसूल है पे, जो पुअर है ना, मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ जो जी। पुअर है ना उनको गवर्नमेंट जो है फिर भी 800-900 डॉलर ना महीने की देती है। पाकिस्तान में कितना अच्छा मिलता है इनको गवर्नमेंट से, गरीबों नहीं, को? पाकिस्तान से नहीं मिलता बिल्कुल, पाकिस्तान में तो आबादी इतनी है जितनी तो शायद कनाडा की, कराची के बाद इतनी है उतनी कनाडा की होगी। फिर भी कुछ तो देना चाहिए ना गवर्नमेंट को, टैक्सेस नहीं देते हो ना इधर आप लोग? की, नहीं, हम टैक्सेस टैक्स देते नहीं हैं आप देते, लोग? नहीं हम आप टैक्स टैक्स नहीं ही देते देते, हो? नहीं टैक्स नहीं तो देते गलती हैं। आपकी भी है ना, फिर आप भी उसी प्रॉब्लम में आप भी आ रहे हो ना, हम आप इनडायरेक्ट टैक्स प्रॉब्लम देते क्रिएट हैं, कर रहे हो, आप टैक्स नहीं दे रहे हो हम तो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। जैसे कैसे क्या मतलब, कोई भी चीज खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। नहीं, मगर वैसे टैक्स तो नहीं दे रहे ना आपकी गवर्नमेंट आपसे, वैसे पूरे अभी साल का कितना वैसे कमाया वैसे जब उसको हम देती है नहीं देती? इलीगल हो गए टैक्स देने के लिए तो देंगे। तो बात वही आ जाती है ना, फिर आप कहते हो कि कनाडा में ये हो रहा है वो हो रहा है। कनाडा में हम अगर तो आप ये एक साल में टैक्स बोल नहीं दोगे तो आपको उठा के गवर्नमेंट जो है ना आपकी सारी चीजें सीज कर लेती है, बिकॉज़ रहे यू हैं, नहीं हैव अगर टू आप इस काबिल कंफर्म। हो कि आप पे टैक्स लागू होता है तो आपको देना चाहिए। अगर आप इस्लाबिक इसकाइल या इस्लाबिक नहीं हो के जी आप पे टैक्स लागू होता है तो आप ना दो, खत्म हाँ, तो वो कौन डिसाइड करता है? कोई भाई। वो लिमिट्स तो वगैरह लोड होंगी, कुछ लो गवर्नमेंट डिसाइड ने कुछ करता है सिस्टम ना, बनाया लो होगा ना? डिसाइड करता है, लो डिसाइड करता है, लो हर जगह होता है। नहीं, ये हर जगह नहीं होता, यहाँ लोग डिसाइड नहीं करते, यहाँ नहीं गवर्नमेंट ने लोग टैक्स नहीं, ब्रैकेट। यहाँ पर लो गवर्नमेंट लो बनाती है, लो के अंदर लिखा होता है भाई हाँ ये बंदा इस काबिल होगा तो इस पर टैक्स लागू हो जाएगा, अगर इस तो काबिल हाँ नहीं होगा तो टैक्स टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ तो आपने भी खुद ही कहा कि आप टैक्स नहीं देते, आप पे टैक्स लागू नहीं होता फिर? नहीं बिल्कुल नहीं होता, जब भी तो नहीं दे रहे, कैसे अच्छा, तो फिर ऐसे ही रहेगा ना फिर। आप कितना रहेगा कमाते हो आप लोग? जी? आपने मेरे लिए कोई रिश्ता तो नहीं ढूंढना ना जो मैं नहीं आपको नहीं मैं आपके इनकम पूछना चाह रही बताऊं। हूँ ना, टैक्स सिस्टम मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि भैया आप कह रहे हो कि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों वहाँ के उससे बात करती हो? मगर अभी आपने ये भी कहा कि ये वहाँ पे कहने का मतलब ये गरीबों था ना कि यहाँ पर हम जिस हाल में रह रहे हैं ना, हम खुश हैं, को, हम खुश हैं, हम ये कहना आप चाह रहे खुश हैं हो, कि आप हम खुश खुश हैं, होंगे? हम खुश नहीं हैं। हाँ, मैं तो कोई नहीं खुश है यहाँ पर, बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं जो कहते हैं वो खुश नहीं है, आप सबकी बात तो तो नहीं भाई कर वो जब रहे। भी तो वहां पर पहुंच रहे हैं वो खुश नहीं है तो वो चले जा रहे हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं खुश हैं वो यहीं पर रह रहे हैं। और जो नहीं निकल सकते वहां से वो क्यों नहीं निकल सकते जी, सबको आजादी है, वीजा मिल रहा है, जिसको नहीं, वीजा हाँ मिल रहा है वो जा रहा है, जो वीजा नहीं ले रहा जिसको नहीं मिल रहा नहीं है जा ना, रहा। जिसको नहीं मिल रहा, तो जिसको नहीं मिल रहा वो तो वहां बैठा है ना, और वो बैठा है तरस रहा है उसी चीजों से, क्योंकि आप कोई लोग नहीं खुश तरह हो तरह,
एक यानी 10% लोग खुश हैं, तो उसकी वजह से जो 90% ये लोग हैं वो आपका सफर कर रहे हैं। ख्याली पुलाव है कि 10% खुश हैं, 50% नाराज हैं, ये हमारा आपका फैमिली ख्याली का, पुलाव है। आप सोच रहे हो आप लाला लैंड में रह रहे हो, मुझे लग रहा है नहीं तो आप मुझे तो लग रहा है आप तो जन्नत में रह रही है ना, तो आपको तो हाँ मैं लगता तो है कि सब जन्नत में लोग रह फिर रही हूँ, नाराज मैं हैं, सब तो जन्नत में रह रही हूँ। बेकंजे जा रहे हैं, सब यूं हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये आपकी सोच है, आपकी सोच और भाई आपके अभी पास आप है। लोगों ने एक बंदा मारा है, पहले आप उसका तो कर लो डिफेंड, मैंने थोड़ी बदनाम किया आपको, हम तो आप तुम डिफेंड हम आपके डिफेंड ही कुत्ते नहीं कर कुत्ते सकते उसको भाई, वालों जिसने ने गलत हमारी काम बदनाम किया, किया हम तो उसको बोलते हैं भाई आपने गलत काम किया है, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, अभी 4 दिन क्या बाद फिर कोई होगा और फिर। मर जाएगा, फिर क्या देना गलत काम हुआ है, फिर 4 दिन बाद कोई और मर जाएगा, फिर क्या देना, वो नहीं तो फिर कोई क्या डिफरेंस करें तो बताएं, नहीं। आप बताएं ना क्या करें, आप बताएं क्या करें, लॉ चेंज करो ना, ब्लास्फेमी क्या लो लॉ हटा, चेंज करें, मतलब क्या बनाए, क्या ब्लास्फेमी लॉ बनाए, हटा, कैसे लो बनाए। लो तो है कि नहीं कोई किसी को कत्ल ब्लास्फेमी करता लॉ है तो उसको हटाओ अरेस्ट ना, किया जाए, रूमाल उसके खिलाफ लॉ, केस किया जाए, ये लो ही होता है। ब्लास्फेमी लॉ हटाओ, समझ में नहीं आ रही आपके बात। नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उर्दू में बताएं। तौहीन-ए रिसालत पे जो लॉ बनाया, जो कानून बनाया वो तो ये हटा जो दो ना। बंदा मरा तोहेले इस हालत पे नहीं मरा जी, यहाँ नहीं ये उसी में मरा है। जी उस पे नहीं मरा, अच्छा किस पे ये मरा तो फिर, उनकी आपस की फैक्ट्री का कोई इंसिडेंट था आपस का, उन्होंने इसको रंग दे दिया बस, और कोई वजह नहीं थी। हाँ अच्छा तो अगर ये लॉ नहीं होता तो फिर वो रंग नहीं दे सकते नहीं थे ना उसको, देर यू गो, तो आपका तो फिर लॉ भी पकड़ा तो लोग है गलत ना, तरीके अगर से यूज लो कर रहे होता, हैं। अगर एग्जांपल लो लो इसके होता तो उनको अरेस्ट नहीं करते ना, फिर उनको तो अरेस्ट किया, जेलों में डाला हुआ सब कुछ जिन्होंने करा है किसको जेलों में डाला है, भाई, जिसने मारा 100 बंदे पकड़े हैं, 100 जेलों के अंदर हैं। आपने शायद न्यूज देखी नहीं ना उसके बाद भाई, नहीं तो जेल में डाल दिया तो उससे क्या होगा, आपको क्या लग रहा है कसूरवार ये को लास्ट सजा बंदा है जो मिलेगी। मरा है, आपको क्या लग रहा है ये लास्ट बंदा है जो मारा गया है कहीं ने रिसालत पे, नहीं ये तो कोई दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता कि लास्ट बंदा है यहाँ पर मारा, उसके बाद कोई नहीं मरेगा। दुनिया में तो कोई मारा ऐसा नहीं आदमी आके बता दे, आप बोल सकती हैं कि जी कनाडा में कोई नहीं मरेगा कहीं ने रिसालत पे, तो कोई नहीं मरेगा ये तो मैं भाई, गारंटी बता वजह सकती हूँ आपको। कुछ भी बन सकती है किसी भी बंदे के मरने की, हाँ वजह कुछ भी बन सकती है किसी भी नहीं बंदे नहीं की, वजह कुछ भी नहीं बन सकती ये है कोई नहीं कह सकता कि ना जी ना आज यूं गलत काम ना, नहीं होगा, आज यूं नहीं होगा, आज फलाना नहीं होगा, धमाका नहीं होगा, ये देखिए दुनिया में हर कोई किसी ऐसा इंसान को नहीं है जो ये कह मारने ले। वाले को ना एक मोटिवेशन पूछा जाता है कि इसके पीछे उसका मोटिव क्या था, ठीक है। कनाडा ठीक में है आज मैडम, तक किसी का मोटिव ये नहीं रहा कि आपने जीसस को कुछ बोल दिया है तो हम आपको मार तो आप तो किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकती ना, आप किसी के दिमाग में घुस के ये नहीं जान सकती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं, मगर हम उनके एक्शन से तो पता चल जाता है ना हमको, तो पहले तो दिमाग में एक्शन क्या स्पीक चल रहा है आपको लाउडर कैसे देन पता लगेगा वर्ड्स। वो क्या एक्शन करने वाला है। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं मार रहा, ये मैं आपको गारंटी के साथ देती हूँ, वरना अगर यहाँ पे मार रहे होते ना तो आपको भी पता चल गया होता कि कितने मुसलमान मर गए होते हैं इस चीज पे, क्योंकि अरे आपकी नजर में मुसलमान मैडम, अरे नहीं मर रहे मैडम होते मैडम मैडम, जीसस आप तो बस वो कहती है ना कि बस वही बात हो गई कि हमारे घर में कुछ भी गंदे उसको अंडर कारपेट कर दो की। बस हम तो खत्म, नहीं जो मर सामने वाले के सामने जो है रहे, उसको तो उछालो, आपकी समझ में आपने नहीं तो आ अभी रही, यहाँ वो पे तो कोई नहीं बनाया मार हुआ रहा, क्या है। यहाँ जब वो गंध है नहीं तो मैं मान क्यों लूँ, यहाँ पे कोई ब्लास्फेमी के नाम पे नहीं मारा जा रहा। हाँ दूसरे नाम पे हाँ मारते हो, अपने किसी और को दूसरों की तो प्रॉब्लम्स हो रोजाना रही कितने कत्ल, कितने कितनी किलिंग्स होती हैं कनाडा में, तो ही हालत पे बात तोहीन करो, रिसालत मुझे की ये बात नहीं बताओ हो रही ना, तुम्हें टॉपिक कितने ये थोड़ी रिसालत है, हो गए, टॉपिक तो ये कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी क्या है। तुम इधर से उधर क्यों जंप कर रहे हो यार, एक तो कभी एक नहीं चीज पे जाओ, नहीं तो आज का टॉपिक यही है, तोहीन रिसालत का टॉपिक ही नहीं है। आपने भी खुद ही बोला कि कनाडा में भी तो मर रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा ये कनाडा में कितने लोगों ने मार दिया मुसलमानों को जीसस की तौहीन करने पे, बताइए। जी वैसे बहुत सारे मुसलमान मरते हैं, पाकिस्तानी मरते हैं, पाकिस्तानी ड्राइवर मर जाते हैं, कितने न्यूज़ें आती तौहीन हैं। रिसालत पे कैसे मरे हैं, अब वो तौहीन ज़ाहिर बात है रिसालत किसी अंग्रेज ने पे मार दिया, अगर किसी मरे हैं, पाकिस्तानी को वो कहता है कि जी मुसलमान है इसको मार दो, फिर मोटिव क्या है, मार मोटिव ये ना कि वो दिया मुस्लिम को मारना है, अभी तक किसको मोटिव ये हो मारा गया ना फिर है, मुस्लिम को मारना है। किसको मारा है अभी तक आपने, अभी तक एक मुझे किस्सा नहीं बताया किसको मारा है अभी तक, अरे एक जी किस्सा बनाओ बताओ। आप पाकिस्तानी कितने ड्राइवर्स कनाडा में अभी तक मर चुके हैं, पता नहीं मुझे बताइए, मैंने तो नहीं सुना कभी आपको किसी पता ही कनाडा नहीं में है तो आप रिसर्च करें ना, आप किसी पहले ने ऐसे आप पढ़ें, आप मारा निकालें, गूगल करें, सब चीजें करें। होगा, सबर करो मुझे आप ये बताओ कनाडा में किसी गोरे ने किसी मुसलमान को जाके मारा है इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान है और उसने जीसस की तौहीन की है, इस पे मुझे बताओ, इधर उधर मत भागो। करें फिर अभी अभी गूगल करें,
मैं क्यों गूगल करूं, क्लेम आप कर रहे हो तो रहा है आप ना, दिखाओगे ना। मैं दिखा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी गूगल करें आपके सामने आ जाएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा नहीं आप आप मुझे बोलेंगे नहीं बताओ आप गलत ना, बोल रहे मैं हो। कौन से कहां पे मैं गूगल कुछ करूं, क्या नाम गूगल करूं, मैं क्या बताओ आप। भाई लिख के करें पाकिस्तान, कुछ भी लिख के गूगल कर दें। नहीं कुछ भी, क्या लिख के गूगल कर दूं, लो गूगल पे कुछ ऐसी कुछ भी लिख दूं, लिख दें कि आपका क्लेम मुसलमान है को आप किसी ने इसको मारा बताओ। नहीं मारा कनाडा में, किसी अंग्रेज ने, किसी गोरे ने पाकिस्तानी को या मुसलमान को मारा नहीं मारा, किस बात पे मारा, किसी के बात रेसिज्म पे पे। मारा मोटिव या सिर्फ, इसका ये मानना कि मैं मोटिव जीत चुका हूँ कौन ये डिसाइड नहीं करेगा, है। मोटिव तो कोई नहीं डिसाइड ही नहीं कर नहीं सकता ना। वो तो लॉ डिसाइड करता है ना, बाद में जब केस होता है तो पता चलता है कि किस लिए तो हुआ यही था। तो बोल रहा हूँ, अभी आप बोल रही हैं कि पाकिस्तान में इस बंदे को मारा, अब केस होगा तो फिर इसका मोटिव डिसाइड किया जाएगा ना, उसने किस मोटिव पे मारा, कहां हाँ उसका मोटिव सामने आ गया ना, तौहीन से रिसालत लिख तो पे केस उसने चल पूरा रहा किया, है, बाद में पता चला ना। मगर आप तो तौहीन अभी तो रिसालत केस देती है चल जो रहा है एजेंसी ना, है, इट गिव्स यू परमिशन टू डू इट, दैट नहीं अभी केस चल रहा है, को केस अंडर कोर्ट है, तो लिहाजा हम कुछ नहीं कह सकते भाई, जब केस पूरा फाइनल होगा फिर हम डिसाइड करेंगे उसमें क्या पड़ रहा है। आप ये ब्लास्फेमी का दौर क्यों नहीं हटा रहे हो, हटा दो ना इसको, फिर कोई क्यों यूज ही हटा नहीं दें, क्यों करेगा। हटा दें भाई, तो आप चाहते हो कि कोई तौहीन है रिसालत के उसका गला काटो, कोई आपके मजहब को बुरा भला भूलेगा तो तो उसका आप क्या गला काटो। करेंगे, नहीं आप क्या करेंगी। मैं तो कुछ नहीं करूंगी, बोलते रहो, मैं तो कुछ नहीं करूंगी, बोलते रहो, तो बस आपके क्यों मजहब में किधर। नहीं है ना, नहीं तो आपके मजहब में ये गला काटो। गला काटने का नहीं है, हम अपनी अपनी जैसे आपको कोई अभी आके चमाट मार दे आप उसको क्या करेंगी, मैं चमाट मारूंगी, मैं उसका गला तो नहीं काटूंगी क्यों ना। मारेंगी, क्यों मारेंगी चमाट, आप तो नहीं बोल के खड़ी एक्चुअली हुई मैं है। चमाट नहीं मारूंगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, ताकि नहीं मैं क्यों पुलिस को मारेंगी, उसका प्रूफ अभी लाके आपने उसका बोला मैं गला मारूंगी लगाऊंगी। उसको, आपने कहा मैं उसके चमाट मारूंगी, क्यों मारेंगी आप चमाट नहीं उसको। आई टेक दैट बैक, आई वुडंट, नहीं हाँ नहीं नहीं मारना चाहिए ना, क्योंकि इंसान की सेल्फ की एक रिस्पेक्ट होती है, जब वो हर्ट होती है तो इंसान फिर रिएक्ट करता है। देखिए आपसे बात ये हो रही है, आप बात कभी इधर ले जाते हो कभी उधर ले जाते हो, फिर क्या तौहीन करूं, रिसालत पे आप लोग लोगों के कत्ल कर रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं ये हम बताओ तो कि नहीं कर रहे क्या हैं, केरला में कौन तौहीन जीसस पे मुसलमानों को मार रहा है, पहली बात, ठीक है। तो जी लेकिन ये है कि गोरों ने मुसलमानों को मारा है, अरे फिर मुसलमान आ क्यों रहे हैं यहाँ पे, फिर अपने मुसलमान मुल्कों में जाओ ना, आप आ क्यों रहे, आना भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर फिर क्रिश्चियन क्यों आ रहे हैं पाकिस्तान में बाहर से, कौन आ रहे तो क्रिश्चियन, कौन मुझे बताओ क्रिश्चियन आया है बोलते जो हैं ना काफी मशहूर क्रिश्चियन तो हो ऑलरेडी गया। हैं हमारे पाकिस्तान में, हाँ वो क्यों नहीं निकल के जा ऑलरेडी रहे हैं कोई यहाँ से। कनाडा से या यूएस से उठ के वापस नहीं जा रहा पाकिस्तान, कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप। भाई तो क्रिश्चियन तो यहाँ पर ऑलरेडी है ना, हमें किसी को वो बुलाने की तो जरूरत पहले ही से रह नहीं रहे है। हैं ना क्रिश्चियन, वो जो पहले से रह रहे हैं। मुझे ये हाँ बताओ वो खुश कौन रह रहे हैं सा यहाँ जहां पर, से उठ के कोई क्रिश्चियन गया हो पाकिस्तान मूव हो गया हो, एक नाम वो बता दो। क्यों आएगा, क्यों आएगा जी, ये हाँ बताएं पहले। एग्जैक्टली, क्यों आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो क्रिश्चियन है उनको ही राइट्स मिल रहे हैं, तो आप उनको क्या दोगे। सारे बैठे हो ये और फॉर आते हो एग्जांपल, वीजा अच्छा लेने के लिए चलो बैठे हो, गोरों के मुल्क आने में बैठे हो, और अच्छा यहाँ एक पे सुनो, बात बात करते हो सुनो, तुम गोरों हमको मार रहे अच्छी हैं, बात सुनो ना, बात सुनो मार रहे देखो, हैं। अगर यहाँ पर क्रिश्चियन को राइट नहीं होते हैं तो क्रिश्चियन कम्युनिटी एहतजाज कर रही होती ना, कितनी परसेंट कम्युनिटी क्रिश्चियन यहाँ पर है, हाँ करती है एहतजाज, आप लोग कभी देखते हो, देखो जरा खोल के आंखें। अरे हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, हमें तो तुमसे ज्यादा पता होगा। मुझे तो नहीं लगता आपको कुछ भी पता है, आपको कुछ नहीं पता कि अरे क्रिश्चियन लोगों पे जुल्म हो रहा है वो भी आपको नहीं दिखता, जो हिंदू औरतों को नहीं ले जाते हैं उनको कन्वर्ट करवा रहे हैं वो भी आपको नहीं दिख रहा है, जो औरतों पे जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में वो भी आपको नहीं दिख रहा है, नहीं हम आपको जो ये नहीं किए, आपको ना 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 डैडी सॉरी, लेकिन का घर दिखता है बस, मैंने तो आपको ये पहले आपकी भी यही बोला था कि अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो बात बुरे ही लोग हैं और उसको बुरा तो करने सुनो, नहीं में बहुत बड़ा हाथ है, ठीक नहीं है। बात तो सुनो, देख अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, हम तो कहते हैं भाई अगर किसी हिंदू के साथ जुल्म हो रहा है तो ज्यादती है, उसके साथ नहीं होना चाहिए, किसी नहीं क्रिश्चियन के आप साथ हो रहा है अगर किसी हिंदू ने आपका कुछ किया उसका गला काट दो, नहीं नहीं, हम कि मुसलमान इस्लाम तो नहीं बोलता भाई, रिसालत क्या है फिर। तो है नहीं, रिसालत ये है आप किसी के जज्बात को मजरूह करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन क्या आप होगा, अपने मजहब के अंदर रहें, आप नहीं, किसी के क्यों मजहब को रहे छेड़े ही नहीं। क्यों रहे, जब एक किसी का बिलीव ही नहीं आपके मजहब पे तो आपकी जबरदस्ती में क्यों माने उसको, क्यों अच्छा जबरदस्ती एग्जांपल, क्यों है। नहीं तो फिर इसका मतलब है कि जब कोई वो होलोकॉस्ट को पे क्यों फिर हंगामे होते हैं, हॉलोकॉस्ट भी कहाँ हंगामे हो रहे हैं,
कहाँ है, हंगामे मतलब हो क्यों गए, उसके ऊपर वो इतनी वो होती है कि नहीं ये चीज नहीं होगी, क्यों होती है फिर? क्या ये चीज नहीं होगी, हम तो बात करते हैं हॉलोकॉस्ट की, क्या आप बोल रहे हो, चंद जगहों पे लॉ है कहाँ इसलिए कहाँ करते हैं, कहाँ बाकी जगहों बोलते पे तो लॉ खुल के, करते हैं, बात आप करते खुल हैं के सब बोले करते आप? हैं। ना कोई नहीं खुल के बोलता है जी, आप यहाँ पर अभी बोल रही हैं लेकिन खुल के कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं, मगर मुझे ये बताओ ना हॉलोकॉस्ट जो हो गया उसपे कौन सा जर्मनी वाले लोग जाकर अभी और मार रहे हैं। हाँ लेकिन बोलता तो कोई भी नहीं है ना उसके खिलाफ। मैंने कहा जी खुल के नहीं बोलते ना, लेकिन चुप है लेकिन बोलते ही नहीं उसके खिलाफ। उनको पता है कि मुझे कुछ आप एक बात बोलेंगे तो बताओ, खाली पे हंगामे आपकी हो एज क्या है, जाएंगे। आपकी एज क्या है मुझे बताइएगा जरा, एज क्या है मेरी आपकी, एज 26 है। 26 है, आप कितना पढ़े हुए हो, नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ आप पढ़े हुए नहीं हो और आप यहाँ पर जी, आके मुझसे इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं। तो मतलब मैं आपसे गलत आर्ग्यू तो नहीं कर रहा। ठीक है, अभी एक्चुअली मुझे अभी निकलना है जस्ट बिकॉज आई एम लेट, आपके साथ ये बात चलती ही रहेगी, अब नेक्स्ट टाइम उस पे आना फिर हम बात करेंगे आपसे आराम से, क्योंकि मेरा दिमाग 3 जगह पे लगा हुआ है। तो एनीवेज चलिए थैंक यू, बिल्कुल, कोई नेक्स्ट मसला टाइम नहीं, कोई आपसे बात मसला करते नहीं। हैं, ठीक है, चलें। रेहान भाई क्या मिजाज है आपके, कैसे हाल चाल हैं, बात अरे करेंगे मुझसे? बड़े भैया आपके जैसे ही मिजाज हैं, अच्छा आप पाकिस्तान से हो भाई? आपको नहीं लग रहा? अच्छा मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। आप ये बताओ, देखो सीरियस गुफ्तगू करनी है मजाक करना है, दोनों कर लेंगे, जी हम तो दोनों चीजें करेंगे। मैं सीरियस करना चाह रहा हूँ। अच्छा सीरियस कर ले फिर। देखो आपसे मैं भी कुछ हो सकता है सीख लूं, आप मुझसे कुछ सीख लो, ये अग्री करते हो आप? बिल्कुल सीखना सिखाना तो लगा रहता देखो है आप आए हो, बात कर रहे हो, ठीक है, इट इज गुड, आप काम भी हो। यार ये बताओ, जब आप जी। असल में जब कंपेयर आप आए थे ना और बात कर रहे थे कि हर जगह मसले होते हैं, हर जगह जराइम होते हैं, यही बोल रहे थे ना आप, रेप हर जगह जी होते हैं, बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है, यहां तक मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि चाइना में भी जुर्म हो रहे हैं, सऊदी अरब में भी जुर्म हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जुर्म जब हर जगह होते हैं, लेकिन ये फिर जुर्म तो हर जगह होते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका इंसाफ कहाँ ज्यादा फास्ट तरीके से मिलता है, बेहतर तरीके से। तो अब आप मुझे बताओ, सीरियस होके ईमानदारी से, आपको क्या लगता है कनाडा में ज्यादा अच्छा अदालती निजाम इंसाफ दिलाएगा अगर किसी लड़की के साथ ज्यादती हुई या पाकिस्तान में? देखें, इधर जो मौजू था ना, इधर मौजू इंसाफ की तेजी का नहीं था, इधर मौजू था कि पाकिस्तान में ज्यादा हरेसमेंट होती है औरतों के साथ और बनिस्बत दूसरे मुल्कों के, इधर मौजू ये था। अगर मौजू ये मौजू ये नहीं था, रखनी मौजू ये था कि आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज क्यों करती हैं, आप पाकिस्तान के पीछे ये तो क्यों घूम मैंने रही बोला हैं, था ना, ये आपने जो मौजू टॉपिक आपका रखा था, हुआ था एग्जैक्टली वो अलग आपका था मौजू ये ना। नहीं था, लड़कियों का मौजू नहीं था, आप यहाँ पर ये मौजू लेकर आए थे, तो आप चेंज नहीं नहीं करो अपना। वो तो आपने ये रखा था कि जी इस्लाम, वो आपने रखा था ना, मैंने आके ये पूछा था मैंने तो मौजू आपसे। सऊदी अरब पे रखा था कि सऊदी अरब इस्लाम चेंज कर रहा है, मेरा तो मौजू डिफरेंट था, आपने आके चेंज किया आपका कि आप क्यों क्रिटिसाइज करती हो पाकिस्तान हाँ को, वो एज अ पाकिस्तानी मैंने, आप क्योंकि एज अ मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैंने इस नजरिए से पूछा। अपने आप, तुम इधर उधर मत जाओ, अब गुलजार ने तुमसे उसी चीज से बात की आगे तुमने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो इधर उधर भागो, तुमसे बात की जबकि कराची की तो तुम लेकर जाते हो इस्लामाबाद, हम लोग क्यों देखते हैं तुम्हारे मोमिनों की हरकतें, डोंट डू दैट, और जवाब दिया उसके जवाब। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मुझे करने दो ना, मैं जवाब दे रहा हूँ उनको, तफसील से जवाब दे रहा हूँ ना मैं। हाँ तफसील का तो ना है, पूरी दास्तान नहीं सुननी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो आप जाओ ना फिर, क्या गुलजार साहब से करो मैं बात कर लेता हूँ करो, ना। हाँ आप अपने बच्चों को संभालो, मैं जब तक होकर आ जाओ बाहर से, तू हम मुझे फिर बताओ कर मैं किसको संभालूं, समझ में आई ना, तू अपनी जाके लुली संभाल, तू रहे जाके अपनी लुली संभाल, पहले मेरे को संभालने से पहले तू अपने आप को संभाल, 26 साल का तू बच्चा है अभी, तेरी पूरी एज नहीं हुई, तेरा पूरा हुआ नहीं है अभी, तो मुझे बताओ अभी मैं क्या करूं करूं, तुम्हें तमीज राज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है तुम्हें तमीज राज नहीं आ रही है, तमीज से बात करो यहाँ पे, वरना यहाँ से ही घुस के ना आपका। हाँ भाई, तो आप हाँ जो हो बोलो। रेहान भाई टॉपिक नहीं चेंज करो, मैंने इसलिए आपसे प्यार से बोला हम सीख सकते हैं, देखो जब जहां इंसान होंगे ना वहां जराइम होंगे, बिल्कुल इसको तो डिफेंड नहीं कर सकते, राइट, बात ये होती थी तनकीद करने की कि इंसाफ जहां बेहतर मिलेगा वहीं लोग जाना भी चाहेंगे, ये भी बात मानते हो कि पाकिस्तान के लोग हाँ चाहना बिल्कुल चाहेंगे, मानते हो ना? बात
जी मानते बिल्कुल हो? मानता हूँ मैं, हाँ हाँ, बिल्कुल मानता तो हूँ। उसकी रीजन क्या है? उसका रीजन यही है ना कि क्रिटिसाइज हम फिर इसलिए कर रहे हैं ना कि हम ये नहीं कह रहे कि जराइम कहाँ ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा बड़ा क्रिटिसिज्म ये होता है कि इंसाफ क्यों नहीं पाकिस्तान में उस तरह का जहाँ और काफिर मुल्कों में होता है। अब यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जाओगे जी बोलिए। पता है पाकिस्तान की अदालतों में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं? हैरान हो जाओगे सुनकर, मुझे पता पता है है सर, मुझे पता कितने है, लाखों हैं, लाखों केसेस कितने? लाखों नहीं है भाई रेहान भाई, लाखों नहीं है। इसी का तो रोना है। मैं भी यार पाकिस्तान से, और हम सब प्यार करते हैं, और आप भी प्यार करते होगे पाकिस्तान से, मैं ये नहीं कर रहा। दो जी मिलियन से ज्यादा केसेस पड़े हैं यार, 2 मिलियन से ज्यादा। सोचो वो डिवोर्स के भी होंगे, लोग वेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां की अदालतें कुछ भी नहीं करती। ये आप मान जाओगे, वो बात सारी होगी सस्ता और अच्छा इंसाफ होगा ना। देखो जब मेरी ना यूएसए में, या पिछले 90 डेज मेरे हाथ में घर पे मेल आ गया था डिवोर्स नामा। पाकिस्तान में आप बिल्कुल काटोगे, रिश्वत दोगे, तो हम बात करते हैं कि गलत हमारे साथ तुम करो। ताकि देखो अगर आप घर का कचरे को छुपाओगे, आप इसको कैसे सफाई करोगे? दूसरी एक बात, मैं आगे देखूंगा। भी सुनो, आगे सुनो, है मैंने उसके साथ, आप भी तभी से बात कर। अब एक बार उनका पाकिस्तान का पता है कितना कर्जा हो गया 2021 में? आप हैरान हो जाओगे। तो 115 अरब डॉलर, कितना? 115 अरब डॉलर। ओ यस यू आर राइट, कि तकरीबन 116 मिलियन डॉलर। और हम जी वैसे बिल्कुल। जब जो तारीफ क्यों करते हैं, अभी जो जेम्स वेब जाने वाली है नेक्स्ट वीक, वो ही 10 मिलियन डॉलर की इन्होंने बनाई है सिर्फ एक टेलीस्कोप यार। तो इसलिए हम बात करते हैं कि काश हमारे भी मुल्क ऐसे तरक्की करें भाई, इसलिए अच्छा, आप क्रिटिसाइज पाकिस्तान करते हैं। से, तीसरी ठीक आप है, मैं आपकी सुनो, बात समझ अब एक और बात सुनो, अब एक बात बताओ, गया। आप कहते हो कि यहाँ पे माली झूठ बोले बैठ के कि पाकिस्तान बड़ा आला कंट्री है। पाकिस्तान आला कंट्री बन सकता है अगर हम अपनी गलतियों को बताएं। आपको पता है पाकिस्तान का पासपोर्ट लास्ट 2 साल में कितने नंबर पे आया था? दुनिया का चौथा घटिया तरीन पासपोर्ट करार पाया, यानी टोटल जो सर्वे हुआ ना 127 मुझे बंद। पता है, मैंने मैंने पढ़ा था वो मैंने। बात सब आपकी बात पता है, अब इस पे क्या बोल सकते?